मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के पीछे लाडली बहना योजना के असर को माना जा रहा है। योजना का असर समाज की हर महिला पर पड़ा है और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी इस बार शिवराज सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा को वोट डाला है। सीहोर में एक मुस्लिम महिला के बीजेपी में वोट देने पर घर में बवाल मच गया। भाजपा को वोट देने पर मुस्लिम महिला के साथ उसके देवर ने जमकर मारपीट की। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत अहमदपुर थाना पुलिस में की है। पुलिस ने मुस्लिम महिला के देवर के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देवर के खिलाफ शिकायत करने वाली फरियादी समीना बी, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम बरखेड़ा ने बताया कि 4 दिसंबर सोमवार को बीजेपी की जीत पर वो और उसके बच्चे जश्न मना रहे थे। इसी से खफा होकर देवर जावेद ने उसके साथ मारपीट की। देवर को इस बात पर आपत्ति थी कि महिला ने बीजेपी के पक्ष में वोट कैसे दिया। इसी से नाराज होकर देवर ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। संभावना बताते हुए पुलिस ने अब शिकायत दर्ज कर ली है। 4 तारीख थी सर, 3 तारीख को रिजल्ट निकला था तो बाजार में मार्केट में बम फटाके चल रहे थे। बच्चे भी खुश हो रहे थे, कहने लगे अपने पास भी रखे, हमने अपन चला लें क्या? तो मैंने कहा नहीं बेटा, अपन नहीं चला। मैंने कहा मैंने वोट तो दिया है, वोट दिया है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए कहने लगा तूने भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन दिया, बीजेपी में वोट कौन दिया तूने? इसलिए उसकी बीवी कहने लगी डंडा ये लो, बांस की डंडी, इससे मारो धारी को। मेरा हाथ में आई बाएं ये वाले डेढ़े हाथ में आई, पूरा हाथ में लगिएगी, खंधे में लगी है, गाल में लगी। 2011 में हुई थी मेरी शादी, जब से ही बदमाशी करता वो मेरे साथ। कहना ये था तूने वोट उसमें क्यों दिया बीजेपी में? आपने क्या बोला? मैंने बोला हाँ मेरी मर्जी, वहाँ वो दूंगी तुझे, इससे क्या। मैंने थाने में किया था, पैदल गई थी थाने में, तो फिर लिफ्ट मिल गई थी, तो वो कहने लगे करते हैं कहना कार्रवाई करी है, कहना ऐसा बोलने लग गए। और मेडिकल भी कराया उन्हें अहमदपुर हॉस्पिटल में, पैदल गई वहाँ पर भी कराने के लिए। मैंने ये किया, मांग करिए कि उसको कम से कम गिरफ्तार तो करिए, मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, वो मुझसे बोलता है कि मेरे सर पे कफन बंधा है। पुलिस में भी शिकायत नहीं, मतलब आधी अधूरी लिखी थी, इसलिए मैंने कलेक्टर में दे दी। मेरी समस्या ये है कि मुझे मेरे बच्चों के कागज़ हैं वो गलत हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाए। और मतलब मैंने परमिट करा लिया है अलग, तो उसको वो जलन होती है कि बदमाश है ये, फिर रही है बाजार में। महिला समीना बी के हाथ, चेहरे और पेट समेत शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। महिला ने कलेक्टर पहुंचकर जिला प्रशासन से देवर के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की। समीना का कहना है कि बीजेपी की सभी योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा है, लाडली बहन की राशि भी मिल रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के पक्ष में वोट दिया। इस घटना के बाद महिला के समर्थन में पसमांदा मुस्लिम महासंघ आया है। मुस्लिम महासंघ ने घटना की निंदा की है। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की है और उसके पीछे लाडली बहन योजना को माना जा रहा है। इसका लाभ मुस्लिम महिलाओं को भी जमकर मिल रहा है और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी के पक्ष में योजनाओं से प्रभावित होकर वोटिंग की है। लेकिन सीहोर के मामले में अब मामला सुर्खियों में आ गया है।